आज 13th चैप्टर देखेंगे परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। तो बींग या डीबी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि आप डेटाबेस को आप डेटाबेस को की हेल्थ को मॉनिटर करें और बॉटलनेक्स को आइडेंटिफाई करें, परफॉर्मेंस इश्यूज को आइडेंटिफाई करें और उनको फिक्स करें। तो परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग में सबसे पहले तो आप प्रॉपर मेमोरी एलोकेशन को देखेंगे कि आपके SGA के साइजेस या आपके PG एग्रीगेट टारगेट के साइजेस या Oracle के जितने भी कंपोनेंट्स हैं जिनको मेमोरी की रिक्वायरमेंट्स हैं उनको वो अप्रोप्रिएटली साइज हैं, ठीक है, उनकी साइजिंग प्रॉपर हुई है। देन IO कंटेंशन को देखेंगे कि IO ज़्यादा तो नहीं हो रही, फिर उसको उसको फिक्स करने के प्रपोजल दिए हैं वो आप फिक्स करेंगे। एप्लीकेशन कोड या जिसको SQL ट्यूनिंग या क्यूरी ट्यूनिंग कहा जाता है वो भी एक DBA आइडेंटिफाई एंड फिक्स करता है। नेटवर्क बॉटलनेक्स को भी का भी आपको आइडिया होना चाहिए और कैसे रिजॉल्व करते हैं। एंड रिसोर्स कंटेंशन, जैसे हमने वो प्रोफाइल्स पढ़ी थी कि उसके थ्रू आप रिसोर्सेज कंट्रोल कर सकते हैं कि कोई पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ यूजर्स या एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ एप्लीकेशन सारे रिसोर्सेज कंज्यूम ना कर लें, आप रिसोर्स एलोकेशन अप्रोप्रिएट करते हैं। जैसे जिस तरह के नंबर ऑफ यूजर्स होते हैं, जिस तरह के यूजर्स की ग्रुपिंग होती है उस हिसाब से और जिस तरह के उनके रिसोर्स एलोकेशन की रिक्वायरमेंट होती है आप उस हिसाब से उनकी रिसोर्सेज एलोकेट करते हैं एंड रिसोर्सेज को कंट्रोल करते हैं। तो रिसोर्स कंट्रोल आप डिफरेंट तरीकों से कर सकते हैं। एक प्रोफाइल्स के थ्रू है जिसमें हमने CPU टाइम देखा था, IO देखी थी, मेमोरी एंड सो ऑन। और इसके अलावा एक और नेक्स्ट बुक में हम पढ़ेंगे डेटाबेस रिसोर्स मैनेजर जो कि बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, तो उसके थ्रू भी रिसोर्सेज कंट्रोल किए जा सकते हैं। तो इंटरप्राइज मैनेजर आपको दो तरह की इंफॉर्मेशन दिखाता है। एक तो आपको ये परफॉर्मेंस के पेज पे ये रियल टाइम इंफॉर्मेशन दिखा रहा होता है, ठीक है। और हमने लास्ट टाइम पढ़ा था AWR ऑटोमेटिक वर्कलोड रिपोजिटरी, उसमें क्या होता है कि हर एक घंटे के बाद आपका मेमोरी में से स्नैपशॉट्स स्टेटिस्टिक्स से उठाए जाते हैं, AWR के अंदर स्टोर किए जाते हैं और फिर वहाँ इंटरप्राइज मैनेजर उनके बेस के ऊपर आपको फिर हर घंटे के बाद एक रिपोर्ट निकाल के देता है ADDM के थ्रू। और आपको रियल टाइम स्टेटिस्टिक्स भी है, रियल टाइम परफॉर्मेंस के से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी आपको इंटरप्राइज मैनेजर में नजर आ रही होती है। इंटरप्राइज मैनेजर में अगर आप परफॉर्मेंस के प्रॉपर्टी पेज पे जाएं तो ये इन्फॉर्मेशन आपको डायरेक्टली मेमोरी में से लेके दिखा रहा है, ये AWR के रिपोजिटरी में से नहीं आ रही। अब लेट्स से आपकी डेटाबेस पे परफॉर्मेंस का इस वक्त इशू है तो इसमें देखिए आपको दिखा रहे जी के इस वक्त कितनी आपका वर्कलोड कितना है, इस वक्त रनेबल प्रोसेसेस टोटल कितने हैं, ठीक है। CPUs के हिसाब से आपको बता रहे हैं कि कितने CPUs हैं और उसमें कितने प्रोसेसेस रन हो सकते हैं और एक्चुअली कितने रन हो रहे हैं। और उसके बाद एवरेज सेशन हिस्ट्री, एक्टिव सेशन हिस्ट्री, ये इंपॉर्टेंट है कि इस वक्त कौन कौन से सेशन कनेक्टेड है और क्या कर रहे हैं। जैसे आपकी डेटाबेस में इस वक्त परफॉर्मेंस का इशू है तो इंस्टेड के आप वेट करें कि वो स्टैटिस्टिक्स आपके AWR में आए, AWR में फिर ADDM चले और फिर वो आपको रिपोर्ट निकाल के दे, तो आप इस पेज पे आके डायरेक्टली अगर आप ADDM रिपोर्ट अभी रन कर रहे हैं, इस वक्त परफॉर्मेंस का इशू आ रहा है, अभी आप ADDM रिपोर्ट रन कर रहे हैं तो इस वक्त ये एक रिपोर्ट जनरेट करके आपको उसी वक्त दे देगा और आपको इश्यूज आइडेंटिफाई करके और उनके सोल्यूशन भी रिकमेंड कर देगा। या फिर आप ये कर सकते हैं कि फर्दर ड्रिल डाउन करना चाहें, फॉर एग्जाम्पल आप ये CPU ये देखें आपको डिफरेंट ये दिखा रहा है कि ये वेट इवेंट्स है या डिफरेंट ये रिसोर्स कंजम्पशन के हिसाब से डिफरेंट इवेंट्स दिखा रहे हैं आपको। जैसे लेट्स से CPU है और यूजर IO है, आप देखना चाहते हैं कि यूजर IO इस वक्त ज्यादा कौन कर रहा है, तो यूजर IO पे क्लिक करेंगे, इसमें इस वक्त कोई सेशन नहीं, यूजर IO वाले हम करते हैं इसको CPU कंजम्पशन पे जाते हैं। लेट्स इस वक्त CPU कंजम्पशन में देखें तो एक ही सेशन है क्योंकि इस वक्त मेरी इस डेटाबेस पे कोई लोड नहीं है, अदरवाइज आपको बहुत सारे वो सेशन और बहुत सारे स्टेटमेंट्स आइडेंटिफाई करके बता देगा कि कौन कौन से सेशन हैं, कौन कौन से स्टेटमेंट्स हैं जो इस वक्त इशू क्रिएट कर। लेट्स हम इस पर्टिकुलर टाइम के ऊपर अगर आए इस विंडो में दोबारा आते हैं वेट्स उस पर IO पे आ जाते हैं और वहां पे देख लेते हैं पाने को। तो ये देखें उस पर्टिकुलर टाइम पे कौन कौन सी स्टेटमेंट्स चल रही थी, उनका कितना इंपैक्ट था डेटाबेस के ऊपर, कौन कौन से सेशंस थे, यूजर्स IDs क्या थी एंड सो ऑन। तो आप पर्टिकुलर स्टेटमेंट के ऊपर अगर वो अभी अवेलेबल है लेट्स से आपके उसमें लाइब्रेरी कैशे में, तो पर्टिकुलर स्टेटमेंट पे क्लिक करेंगे तो वो स्टेटमेंट पे भी ले जाएगा, वो उसका बताएगा ये स्टेटमेंट क्या थी, एग्जैक्ट स्टेटमेंट क्या थी और अगर इसमें ये किस सेशन ने रन की थी, ये नीचे आपका सेशन ID भी आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो फर्दर सेशन की डिटेल्स भी दे देगा आपको। तो आप फर्दर ड्रिल डाउन कर सकते हैं और लेट्स से स्टेटमेंट पे आपको परफॉर्मेंस के इश्यूज आ रहे हैं जिसकी वजह से आपके CPU कंजम्पशन या मेमोरी कंजम्पशन या IO कंजम्पशन बहुत ज्यादा हाई जा रही है, तो आप क्या कर सकते हैं इसके ऊपर SQL ट्यूनिंग एडवाइजर स्केड्यूल कर सकते हैं। ये इस पर क्लिक करेंगे, ये SQL ट्यूनिंग एडवाइजर के पास ये स्टेटमेंट चली जाएगी, वो उसको एनालाइज करेगा और आपको एडवाइस देगा कि क्या इशू है और स्टेटमेंट को कैसे फिक्स कर सकते हैं और आपको इंप्लीमेंट करने के लिए सोल्यूशन भी दे देगा। तो आप रन टाइम पे बहुत सारे इश्यूज आइडेंटिफाई करके बॉटलनेक्स को फिक्स भी कर सकते हैं, ठीक है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप रेगुलरली डेटाबेस को मॉनिटर करें, जिस वक्त लोड हो आप इस तरीके से परफॉर्मेंस के पेज पे जाके वो लोड मॉनिटर करें और देखें कि कौन कौन सी स्टेटमेंट चल रही है, क्योंकि आपका जो लोड है लेट्स से इस केस में देखें टोटल नंबर ऑफ CPUs जो है वो 2 है इसमें,
बल्कि वन है सीपीयू कोर्स, इस वक्त वन दिखा रहा है कि सिंगल सीपीयू मशीन है। तो जितने सीपीयू होंगे उतने सीपीयू के अंदर लिमिट के अंदर ही वो लोड होना चाहिए, अगर उससे लोड एक्सीड कर रहा है तो देन आपको यू नीड टू ट्यून इट, अदरवाइज आपकी डेटाबेस में सीवियर किस्म के बॉटलनेक्स आएंगे। देन अगर आप ड्रिल डाउन करें तो आपको फर्दर वो डिटेल्स बताएगा कि कौन कौन सी स्टेटमेंट्स हैं, कौन से सेशंस हैं और क्या वेट इवेंट्स आ रहे हैं, वो भी आपको सारी इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है। और अगर इसको आप फर्दर ट्यून करेंगे तो आपको रिकमेंडेशन भी मिल जाएंगी कि इसको कैसे फिक्स किया जा सकता है। तो ये ऑन गोइंग प्रोसेस है, ये आप करते हैं, रेगुलरली करते हैं। इस वक्त डेटाबेस में कौन कौन से सेशंस कनेक्टेड हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो भी आप इसी पेज पे देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसी पेज में ड्रिल डाउन करूं तो यहाँ पे होगा टॉप एक्टिविटी। टॉप एक्टिविटी में अगर मैं जाऊं तो इस वक्त आपकी डेटाबेस में टॉप एक्टिविटी क्या हो रही है, कौन कौन से यूजर्स हैं। इसमें अगर आप देखें टॉप कंज्यूमर्स पे चले जाएं, टॉप सेशंस पे, टॉप कंज्यूमर्स में आपको सर्विसेज, मॉड्यूल्स, एप्लीकेशंस, क्लाइंट्स ये सारे दिखाएगा। लेट्स से टॉप सेशंस पे चले जाएं अगर आप, तो इस वक्त तो डेटाबेस में कोई ऐसे सेशंस नहीं है, थोड़ी देर में वो क्योंकि अभी अभी एंटरप्राइज मैनेजर आप हुआ है तो थोड़ी देर में आपको सारे सेशंस दिखा देगा जो इस वक्त कनेक्टेड है, उसमें से टॉप सेशंस आप फिर उसको सॉर्ट कर सकते हैं मेमोरी यूजेज वाइज या सीपीयू वाइज या आईओ वाइज या फिर ये जैसे आप देखें अब आपके पास ये सारे सेशंस आ गए हैं, उनके सेशन आईडी, यूजर नेम। अब अगर आप पाइड वाली सीपीयू वाइज हुए हैं सॉर्ट हुआ, लेट्स मेमोरी वाइज करना चाहें तो उस पर क्लिक करेंगे तो ये मेमोरी वाइज सॉर्ट हो जाएंगे। आईओ वाइज फिजिकल आईओ, लॉजिकल आईओ, हार्ड पार्सेस, टोटल पार्सेस एंड डिस्क सॉर्ट्स एंड सो ऑन। इसकी बेस पे आप इनको सॉर्ट करके आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। नॉर्मली हम क्या करते हैं कि जब भी कोई परफॉर्मेंस का इशू आता है तो हम टॉप 5, टॉप 7, टॉप 10 जितने भी हैं वो वेट इवेंट्स को उठाते हैं, उनको ट्यून करना स्टार्ट करते हैं। आइडेंटिफाई आपके लिए इंटरप्राइज मैनेजर 10G ऑनवर्ड ये आपके लिए सबसे सूटेबल टूल है, जिसमें आपको फौरन से आइडेंटिफाई होता है कि कौन सी स्टेटमेंट है, कौन सा सेशन है। याद रखिएगा जस्ट एक सेशन या एक क्यूरी या एक स्टेटमेंट की वजह से ओवरऑल पूरी की पूरी डेटाबेस की परफॉर्मेंस पे बहुत सीवियर इंपैक्ट पड़ सकता है। सो दिस इज द पॉइंट, यहां से आप आगे आइडेंटिफाई कर सकते हैं और फिर आगे उसके ऊपर कोई भी, लेट्स से कोई भी बग है, कोई ऐसी स्टेटमेंट चल रही है जो नहीं चलनी चाहिए इस पर्टिकुलर टाइम के ऊपर, वो सारी चीजें यहां से आइडेंटिफाई की जा सकती है इंटरप्राइज मैनेजर के परफॉर्मेंस के पेज के ऊपर। ओके, देन है जी मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी को कैसे मैनेज किया जाता है, डिफरेंट तरीके से आप मेमोरी को मैनेज कर सकते हैं कि आपकी मेमोरी एलोकेशंस जो हैं वो अप्रोप्रिएट हों आपके एसजीए के डिफरेंट कंपोनेंट्स को। तो देखते हैं जी कौन कौन से मेमोरी मैनेजमेंट के आपके पास वेज हैं, कौन से टूल्स हैं जिनके थ्रू आप डेटाबेस की मेमोरी एलोकेशन एसजीए या पीजीए को मॉनिटर कर सकते हैं एंड मैनेज कर सकते हैं। तो तीन तरीकों से आप मेमोरी मैनेज कर सकते हैं। ओरेकल 8i तक, अगर हम ओरेकल 8i में देखें या बल्कि ओरेकल 8i एंड 9i दोनों में जो ना इसी तरीके से अलग अलग देखें। ओरेकल 8i में था कि आपका आपने लेट्स से एसजीए का एक स्पेसिफाई साइज स्पेसिफाई कर दिया, लेट्स से एसजीए का साइज मेरे पास है जी 1GB 1024 MB। तो फिर आपने एसजीए को फर्दर छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना है, उसमें से एक आपके जी डीबी अंडरस्कोर बफर अंडरस्कोर टूल के नाम से एक पैरामीटर था जो कि आपकी डेटाबेस बफर कैशे जिसके थ्रू आप डिफाइन करते थे। लेट्स से आपने इसको डिफाइन कर दीजिए 100 MB, तो आपकी बफर कैशे 100 MB की होगी। देन शेड अंडरस्कोर टूल अंडरस्कोर साइज, तो आपका शेड टूल होगा लेट्स से आपने दे दिया जी 150 MB, तो शेड टूल 150 MB का एंड सो ऑन। और बहुत सारे पैरामीटर्स आपके एसजीए के अंदर जितने भी सब कंपोनेंट्स हैं, सब पार्ट्स हैं, वो सारे के सारे इंडिविजुअली सेट करने हैं आपने, और आपने टाइम एंड अगेन इनको मॉनिटर भी करना है कि इनकी साइजेस अप्रोप्रिएट हैं कि नहीं। और इसके बाद आपके पास ओरेकल 8i में कुछ पैरामीटर्स थे जिनको वर्क एरियाज कहा जाता है, वर्क एरियाज में, वर्क एरियाज में एक पैरामीटर था सॉर्ट अंडरस्कोर एरिया अंडरस्कोर साइज, फिर इसी तरीके से था हैश अंडरस्कोर एरिया अंडरस्कोर साइज, फिर इसी तरीके से मर्ज अंडरस्कोर एरिया अंडरस्कोर साइज। तो ये आप एरियाज भी स्पेसिफाई करते थे, लेट्स से आपने सॉर्ट एरिया दे दिया 2 MB का, हैश एरिया दे दिया 2 MB का, मर्ज एरिया दे दिया 2 MB का। तो अब जब भी कोई एक सर्वर प्रोसेस किसी यूजर के लिए बनाया जाएगा तो उसमें आप उस सर्वर प्रोसेस के अपने पीजीए जिसको एलोकेट, जिसको हम पीजीए कहते हैं, पीजीए उसके लिए जो एलोकेट होगा उसमें ये एरियाज भी, वर्क एरियाज भी अलग से उसको एलोकेट होंगे 2 MB के। तो इन वर्क एरियाज में वो क्या करेगा, सॉर्ट एरिया में उसका डाटा सॉर्ट होगा, हैश और मर्ज एरिया में उसके ज्वाइंस परफॉर्म होंगे, डाटा ज्वाइन होगा, ठीक है। और ये सारी चीजें आप मैन्युअली सेट करते थे और मॉनिटर करना पड़ता था आपको लोड के हिसाब से। फिर अगर आपने शफल करना है, लेट्स से कभी बफर पूल का साइज ज्यादा करना है, कभी शेयर पूल का साइज कम या ज्यादा करना है, तो आपको शफल खुद से करना पड़ता। और सॉर्ट एरिया में सबसे बड़ा इशू ये था कि सबको इक्वल साइज का सॉर्ट एरिया एलोकेटेड था, वो आपके पीजीए के अंदर सबको
एक ही जो आपने यहाँ पे साइज दे दिया उतने ही साइज का आपका सॉर्ट एरिया साइज एलोकेट होगा। अब लेट्स अगर कोई यूजर 2 MB से लेस डाटा सॉर्ट कर रहा है तो उसकी सॉर्टिंग तो मेमोरी में हो रही है, लेकिन कोई यूजर 2 MB से ज्यादा डाटा सॉर्ट कर रहा है तो वो फिर सॉर्टिंग हमेशा डिस्क पे जा रही है, उसको सॉर्ट एरिया एलोकेट हुआ है उसकी पीजीए के अंदर लेकिन वो यूज नहीं हो रहा, मेमोरी वेस्टेज थी, और दूसरा उसकी वजह से आयो भी ज्यादा हो रही थी। ठीक है, ओरेकल 9i में ओरेकल ने इसको थोड़ा चेंज कर दिया। 9i में SGA अंडरस्कोर मैक्स अंडरस्कोर साइज के नाम से एक पैरामीटर ओरेकल ने दे दिया, उसमें आप बताते जी मेरे SGA का मैक्स साइज क्या होगा, 1024 दे दिया। फिर आपके पास बफर पूल की जगह आपके पास एक पैरामीटर आ गया DB अंडरस्कोर कैशे अंडरस्कोर साइज, वो आपने स्पेसिफाई किया लेट्स से 200-300 MB। फिर आपके पास शेड पूल का पैरामीटर है, वो आपने स्पेसिफाई किया 300 MB। फिर आपके पास लार्ज पूल है, जावा पूल है, आपने ये सारे पैरामीटर्स सेट किए। और 9i में आपके पास जो पैरामीटर हैं वो SP फाइल भी आपके पास आ गई। 8i में आपके पास ये जो सारे पैरामीटर थे वो PE फाइल या इनिट फाइल हुआ करते थे, 9i में SP फाइल भी आ गई आपके पास। अब ये 9i में बहुत सारे पैरामीटर डायनेमिक हो गए जो कि रन टाइम पे चेंज हो सकते हैं, आपको डेटाबेस रीस्टार्ट करने की जरूरत नहीं है। 8i में बहुत सारे पैरामीटर स्टैटिक थे तो कोई भी पैरामीटर चेंज करना है तो आपको बाउंस करना पड़ता था, PE फाइल में चेंज करना है डेटाबेस डाउन करना फिर उस पी फाइल से आप करना। अच्छा, 9i में एक और मेजर चेंज ही हुई है कि आपके जो सारे वर्क एरियाज हैं वो खत्म करके कर दिए गए। 9i में वर्क एरियाज 8i में होते थे, आपके जो PGA है जो सर्वर प्रोसेस के लिए जो मेमोरी एलोकेट होती है उसको PGA है, PGA में एलोकेट होते थे आपके वर्क एरियाज। 9i में वर्क एरिया पॉलिसी ऑटो कर दी गई, एक पैरामीटर है वर्क एरिया साइज वर्क अंडरस्कोर एरिया अंडरस्कोर साइज अंडरस्कोर पॉलिसी, ये बाय डिफॉल्ट ऑटो होता है और ये ऑटो ही होना चाहिए। वर्क एरिया साइज पॉलिसी ऑटो कर दी गई और एक पैरामीटर आपको दे दिया गया PGA अंडरस्कोर एग्रीगेट अंडरस्कोर टारगेट, और ये आपने लेट्स से स्पेसिफाई कर दिया जी 300 MB। ये एक आपके लिए एक सेंट्रल, अब आपके डेटाबेस में दो चीजें हैं, एक तो आपके पास SGA है, एक SGA है जो आपने इस पर्टिकुलर पैरामीटर से कंट्रोल किया हुआ है, और इस SGA की जो मेमोरी डिस्ट्रीब्यूशन है इन कंपोनेंट्स के अंदर की हुई है। देन आपके पास मेमोरी के अंदर लेट्स आपके टोटल सर्वर में मेमोरी 4 GB है, तो 4 GB में से 1 GB आपने SGA को दे दी, OS के पास 3 GB बची, और 3 GB में से लेट्स आपने 500 MB PGA एग्रीगेट टारगेट को दे दिए, तो आपके पास एक सेंट्रल एक और मेमोरी एरिया बन जाएगा जिसको PGA कहते हैं। दो तरह के PGAs होते हैं 9i में, 9i ऑनवर्ड दो तरह के PGAs हैं। एक PGA तो वो जो आपके सर्वर प्रोसेस जब आपके लिए बनाया जाता है जब डेटाबेस से कनेक्ट होते हैं तो एक वो PGA, एक PGA जो आपके लिए सॉर्टिंग और ज्वाइंस के ऑपरेशन उस पर्टिकुलर एरिया में परफॉर्म होते हैं उसको PGA एग्रीगेट भी कहते हैं, उसको सिंपली PGA भी कहते हैं, उसको PGA एग्रीगेट भी कहा जाता है। नहीं नहीं वो तो उसमें होते हैं ना लाइब्रेरी कैशे में शेयर्ड पूल, वो तो SGA के अंदर होते हैं, SGA में लाइब्रेरी शेयर्ड पूल। इसमें डाटा सॉर्टिंग होती है, दो काम होते हैं, एक सॉर्ट होता है डाटा और एक जॉइंस होता है। तो लेट्स से आपने ये 500 MB का ये साइज दे दिया इसका, अब अगर कोई भी यूजर सॉर्टिंग करेगा चाहे वो सॉर्टिंग 5 MB की है चाहे 10 MB की है चाहे 2 MB की है चाहे 20 MB की है, उन सबकी सॉर्टिंग इस एरिया में होगी। ठीक है, सारे यूजर्स का डाटा इस एरिया में सॉर्ट हो रहा होगा, तो बहुत कम यूजर्स का डाटा डिस्क पे जाके सॉर्ट होगा जब ये फुल हो जाएगा। ठीक है, तो अब PGA अब इंस्टेंट के हर यूजर को 2 MB या 1 MB या 5-5 MB का आप, क्योंकि उसमें आप ये नहीं स्पेसिफाई कर सकते कि किसी यूजर की सॉर्टिंग रिक्वायरमेंट ज्यादा है तो उसका PGA का साइज ज्यादा कर दें, ये ना ए टाइम में ये पॉसिबल नहीं, अगर आप उस सॉर्ट एरिया साइज के पैरामीटर से कंट्रोल करते तो वो पैरामीटर सबके लिए एप्लीकेबल होता है। तो 9i में क्योंकि अब वो इशू ये है कि कुछ कुछ यूजर डेटा ज्यादा सॉर्ट करते हैं कुछ कम सॉर्ट करते हैं तो वो उसमें कंट्रोल करना मुश्किल है, तो ओरेकल ने वर्क एरिया साइज पॉलिसी ऑटो कर दी और PGA एग्रीगेट दे दिया आपको, और आप ये सेट करते हैं और यहाँ पे सारे यूजर्स का डाटा सॉर्ट होता है और यहीं पे ज्वाइंस परफॉर्म होते हैं। सो आप ये यू क्रिएट द PGA एग्रीगेट टारगेट बिग इनफ टू हैंडल टू अकोमोडेट ऑल द सॉर्टिंग एंड ज्वाइन ऑपरेशंस। ठीक है, आपकी कोशिश ये होती है कि आपकी जितनी भी सॉर्टिंग एंड ज्वाइंस हैं वो मेमोरी के अंदर हो, डिस्क पे ना जाए, डिस्क पे जाएंगे तो टेम्परेरी टेबल स्पेस यूज करेंगे परफॉर्मेंस के इश्यूज होंगे। ठीक है जी, लेकिन ये जो मेमोरी मैनेजमेंट है ये ओवरऑल जो मेमोरी मैनेजमेंट है ये DBA खुद कर रहा है। अब आपके पास 9i में ऑनवर्ड आपके पास एडवाइजरीज अवेलेबल है,
डेटाबेस बफर कैशे की एडवाइजरी है, शेयर्ड पूल की एडवाइजरी है, लार्ज पूल की एडवाइजरी है, आपके पास इसी तरीके से पीजी एग्रीगेट टारगेट की एडवाइजरी है। एडवाइजरीज क्या करती है, आपको एडवाइस देती है। आपने लेट से कुछ साइज सेट किया हुआ है, आपको नहीं पता आपके डेटाबेस आपके कंपोनेंट का साइज अप्रोप्रिएट है कि नहीं, तो आप क्या करें डेटाबेस अप एंड रनिंग रहने दें 2-4 दिन, 6 दिन, हफ्ता 8-10 दिन, और उसके बाद एडवाइजरी से एडवाइस लें। तो ये आपको अप्रोप्रिएट एडवाइस देंगी कि आपके इन कंपोनेंट्स का साइज कितना है और एक्चुअली होना कितना चाहिए, वो कितना इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे तो कितना बेनिफिट होगा या कितना परफॉर्मेंस लॉस होगा। ठीक है, तो ये आपको एडवाइजर्स ग्राफिकली या एसक्यूएल एसक्यूएल में व्यूज के थ्रू भी क्यूरी करके देख सकते हैं। तो देख लेते जरा हमारी डेटाबेस में इस वक्त एडवाइजरीज, अगर मेमोरी मैनेजमेंट मैनुअल है तो हाँ, तो इसका मतलब बहुत सारा डाटा शॉर्ट हो रहा है और वो टेम्परेरी टेबल स्पेस में साइज कम है तो बिल्कुल फर्क पड़ेगा। चलिए अच्छा, अगर आप इस वक्त देखें तो मैं अब मल्टीपल इसमें आपके पास नेविगेशन हैं इस पे जाने के लिए, मेमोरी एडवाइजर्स पे जाने के लिए, इंटरप्राइज मैनेजर में सर्वर के टैप में डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन में आपके पास मेमोरी एडवाइजर हैं, इसके थ्रू चले जाएं, या किसी भी पेज में बॉटम में जाके एडवाइजर सेंट्रल का टैब है, इसके थ्रू भी इस पे जा सकते हैं। तो लेट्स से मैं यहाँ पे जाता हूँ मेमोरी एडवाइजर्स पे, तो मेरे पास दो SGA है और PGA, ये जो PGA है ये PGA एग्रीगेट टारगेट है जिसमें सॉर्टिंग एंड ज्वाइन होंगे। अब SGA में ये देखें आपको शेयर्ड पूल का साइज दिखा रहा है, बफर कैशे का साइज दिखा रहा है, लार्ज पूल जावा पूल का साइज दिखा रहा है और टोटल SGA का साइज दिखा रहा है। तो मैं लेट से एडवाइस पे क्लिक करता हूँ शेड पूल, और आपको अभी 10-11G में दो एडवाइजरीज इंटरप्राइज मैनेजर के थ्रू अवेलेबल हैं जो कि शेड पूल और बफर कैशे हैं, बाकी जो एडवाइजरीज है वो नेक्स्ट रिलीज में आपको इंटरप्राइज मैनेजर में अवेलेबल होंगी। ठीक है, तो शेड पूल की एडवाइस देते हैं जी कि इसका साइज 224 MB है, तो होना कितना चाहिए। तो ये आपकी एक ऐसी डेटाबेस जिसमें वर्कलोड ज्यादा रन हो चुका हो वहां पे आपको इन्फॉर्मेशन सही मिलेगी। यहाँ पे देखें इस वक्त आपको करंट साइज बता रहा है कि करंट साइज है ये तकरीबन 224 MB। अगर मैं इसको इंक्रीज करूं तो ये देखें एक स्ट्रेट लाइन आ रही है, स्ट्रेट लाइन का मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, परफॉर्मेंस इतनी रहेगी। लेकिन अगर मैं इसको डिक्रीज करूं और मैं यहां पे ले आऊं जो कि तकरीबन बनता है जी लेट्स से यहां पे ले आऊं 150 बनता है, तो मेरी डेटा इसकी परफॉर्मेंस इतनी डिग्रेड होगी, यानी कि ये आपको यहां पे एक्चुअल वैल्यूज नहीं दिखा रहा, अदरवाइज आपको परसेंटेज में वैल्यू दिखाता कि कितना रिलेटिवली कितनी परफॉर्मेंस स्लो हो जाएगी। ठीक है, परसेंटेज में या IOs में या इन टर्म्स ऑफ टाइम आपको यहां पे बता रहता है कि कितना इशू होगा। तो अगर लेट्स से मैं इसका साइज ये पर्टिकुलर वैल्यू इससे कम कर दूंगा तो मेरी परफॉर्मेंस डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। लेकिन सम टाइम्स ये होता है कि आप प्रोटेक्शन एनवायरनमेंट में हो तो आपको ये ग्राफ इस तरीके से जा रहा होता है, तो आपको जहां पे मैक्सिमम बेनिफिट मिल रहा होता है आप वहां तक उसकी वैल्यू को इंक्रीज कर देते हैं, प्रोवाइडेड कि आपके पास सफिशियंट मेमोरी अवेलेबल है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जब इनिशियली SGA की साइजिंग करें तो किसी भी एक डिफॉल्ट वैल्यू के साथ जाने दें और बाद में मॉनिटर करें एडवाइजर्स के थ्रू, और बार बार मॉनिटर करें और फिर चेंज करें और फिर एडजस्ट करें। एक टाइम ऐसा आएगा कि वो फिर आपके डेटाबेस के लिए ऑप्टिमल साइज होगा आपके SGA के डिफरेंट कंपोनेंट्स का। ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट के वो आपके SGA के डिफरेंट कंपोनेंट्स अप्रोप्रिएटली साइज में। अच्छा, इसी तरीके से आपके पास लेट्स से बफर कैशे की एडवाइजरी है, तो इसमें देखें इसमें अगर मैं साइज अगर इसका कम करूंगा तो मेरे डेटाबेस की जो परफॉर्मेंस है वो नंबर ऑफ जो रीड्स हैं वो बढ़ जाएंगी। लेट्स से मैं अगर इससे कम करता हूँ, करंट ये है, और मैं इसे अगर साइज कम करूंगा तो नंबर ऑफ IOs जो है वो 1 है पहले, तो वो IOs नंबर ऑफ IOs बढ़ जाएंगे तो परफॉर्मेंस लॉस होगा। इसी तरीके से अगर हम PGA पे जाते हैं तो PGA में देखें कैशे हिट परसेंट 100% बता रहे हैं, इट मीन्स के मेरा PGA इस वक्त अप्रोप्रिएटली साइज है। तो अगर आपकी हिट रेशो 90% से लो आ रही है तो फिर परफॉर्मेंस के इशूज हैं, और 80% से लो आ रही है तो फिर तो बहुत ही सीवियर परफॉर्मेंस के इशूज होंगे आपको सॉर्टिंग एंड ज्वाइंस के बारे में। तो इसका साइज ये SGA और PGA दोनों अलग अलग मेमोरी आपको बाय करते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपने दोनों का सम करके जो साइज है वो आपके पास आपने देखना होगा। लेट्स से टोटल आपके पास अगर 4GB मेमोरी अवेलेबल है तो आपने देखना है कि आपने कितनी SGA को देनी है और कितनी PGA को देनी है ताकि सफिशियंट मेमोरी OS के पास भी बचे, क्योंकि इसमें बाकी आपके जो सर्वर प्रोसेसेस हैं उनको भी मेमोरी एलोकेट होगी। क्लियर है जी? तो सम टाइम्स ऐसा होता है कि आपका SGA का एक लिमिट है आपके पास कि 1 GB से ज्यादा SGA का साइज आप दे ही नहीं सकते, मेमोरी के इश्यूज हैं। तो फिर आपने क्या करना होता है कि टाइम एंड अगेन मॉनिटर करके कभी आपको शेयर पूल का साइज कम करना पड़ेगा, कभी बफर कैशे का साइज ज्यादा करना पड़ेगा, कभी किसी दूसरे कंपोनेंट का साइज इंक्रीज करना पड़ेगा, एंड सो ऑन, मेमोरी को शफल करते रहना पड़ेगा लोड के हिसाब से। ये DBA को मैनुअली करना पड़ता है। ठीक है, 99 में तो ये मैं काफी फ्रीक्वेंटली करना पड़ता था। लेट से बैकअप हो रहा है तो हमने लार्ज पूल का साइज ज्यादा कर दिया, बफर कैशे का साइज कम कर दिया, या ज्यादा कोई लोड चल रहा है, लेट से मंथ एंड हमारा होता है हमारी डेटाबेसिस पे फाइनेंशियल्स की,
तो उस पर फिर उस केस में हम बफर कैशे का साइज ज्यादा रखते हैं, शेयर का साइज थोड़ा कम कर देते हैं, बाकी कंपोनेंट्स का साइज कम कर देते हैं, लेट्स से मेमोरी का अगर इश्यूज, ठीक है, तो इस तरह की एक्टिविटीज करनी पड़ती है। दिस इज कॉल्ड मैनुअल मेमोरी मैनेजमेंट। आप मेमोरी मैनेजमेंट खुद कर रहे हैं, डीबीए खुद मैनेज कर रहे हैं सारी चीजें, ठीक है। और 10G में ओरेकल ने, अब ये तो सर 9i में था कि आपने इस तरीके से मैनेज करना है, आपको सारे कंपोनेंट्स का आइडिया होना चाहिए। ओरेकल 10G में आपके पास ऑप्शन आ गए कि SGA मैक्स साइज का पैरामीटर उसी तरीके से अवेलेबल है आपके पास, वो आपने दे दिया जी, लेट से 1024 1GB आपने दे दिया। एक नया पैरामीटर आ गया 10G में, वो है SGA अंडरस्कोर टारगेट के नाम से। ये जो SGA टारगेट का पैरामीटर है वो SGA मैक्स साइज के इक्वल या उससे लेस हो सकता है, इससे ग्रेटर नहीं हो सकता, ठीक है। तो SGA टारगेट लेट से आपने सेट कर दीजिए, वो भी आपने 1024 ही सेट कर दिया। तो अब आपको जितने भी SGA के सब कंपोनेंट्स हैं, जैसे डीबी कैशे है, सारे पूल वाले पैरामीटर हैं, शेड अंडरस्कोर पूल अंडरस्कोर साइज एंड सो ऑन, शेड पूल साइज है, लार्ज पूल साइज है एंड सो ऑन, ये सारे पैरामीटर्स आपको सेट करने की जरूरत नहीं है, ये आप सेट नहीं कर सकते आप, ठीक है। अब SGA टारगेट आपने सेट कर दिया है, दिस इज कॉल्ड ASMM, इसको कहा जाता है, दिस इज कॉल्ड ASMM ऑटोमेटिक शेयर्ड मेमोरी मैनेजमेंट। SGA मैक्स साइज दे दिया और SGA टारगेट आपने नॉन जीरो सेट कर दिया, जीरो के अलावा कोई वैल्यू आप इसमें सेट कर दी, तो अब आपका SGA जो है एक्चुअली जो है SGA का साइज वो इतना होगा जितना आपने इसमें वैल्यू दे दी। और ओरेकल SGA के सब कंपोनेंट की साइजिंग खुद करेगा और हर थोड़े बाद शफल करता रहेगा, जैसे जैसे जहां पे रिक्वायरमेंट होगी, फॉर एग्जांपल कभी बफर कैशे में लोड ज्यादा होगा तो जिस कंपोनेंट पे लोड कम होगा उसका साइज कम कर देगा, बफर कैशे का साइज ज्यादा कर देगा एंड सो ऑन, आपस में कंपोनेंट्स में मेमोरी शफल करता रहेगा। लेकिन आपको जो PGA एग्रीगेट टारगेट है वो खुद ही मैनेज करना है, उसकी साइज आपने खुद ही करनी है, वो आपने जितना भी साइज देना मेमोरी सॉर्टिंग के लिए जॉइंट्स के लिए। तो SGA मैक्स साइज दे दिया, SGA टारगेट दे दिया और बाकी SGA टारगेट दे दिया, तो बाकी सारे लोड अब डेटाबेस खुद ही मैनेज करेगा, लोड के हिसाब से खुद ही डिस्ट्रीब्यूशन करेगा कि कहां कहां मेमोरी की रिक्वायरमेंट किस वक्त ज्यादा है, उस हिसाब से वो शफल करता रहेगा। लेकिन PGA आपने खुद साइज करना होगा और उसकी साइजिंग साथ साथ मॉनिटर भी करते रहना होगी, और चेंजेस करने पड़े तो चेंजेस भी करनी पड़ेगी आपको खुद से, ठीक है। 11G में Oracle ने इसको फर्दर चेंज कर दिया, ये 11G में Oracle नए पैरामीटर्स ले आया, पुराने स्टिल अवेलेबल है, SGA मैक्स साइज भी अवेलेबल है, SGA टारगेट भी अवेलेबल है, और ओरेकल ने एक नया पैरामीटर दे दिया मेमोरी अंडरस्कोर मैक्स अंडरस्कोर साइज। ये जो पैरामीटर है ये SGA मैक्स साइज के इक्वल हो सकता है, ठीक है, ये पैरामीटर जितना भी होगा SGA मैक्स साइज भी उतना ही होगा, ठीक है। तो मेमोरी मैक्स साइज आपने दे दिया जी 1500 MB, और एक पैरामीटर आपके पास और आ गया मेमोरी अंडरस्कोर टारगेट के नाम से। पहले SGA टारगेट था 10G में, 11G में मेमोरी टारगेट के नाम से आ गया, ये आप सेट कर सकते हैं इक्वल टू और लेस देन मेमोरी मैक्स टारगेट। लेट से आपने ये भी 1500 MB सेट कर दिया, तो दिस इज कॉल्ड, अगर आपने ये पैरामीटर सेट कर दिया तो इट इज कॉल्ड के आपने AMM इनेबल कर दी। पहले हमने SMM इनेबल की थी, अब आपने AMM इनेबल कर दिया, ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट इनेबल कर दी। अब आपको SGA के जितने भी सब कंपोनेंट्स हैं उनकी साइजिंग प्लस PGA एग्रीगेट की साइजिंग, दोनों की साइजिंग खुद करने की जरूरत नहीं है। अब Oracle क्या करेगा, PGA एग्रीगेट का भी आपको अलग से PGA अंडरस्कोर एग्रीगेट अंडरस्कोर टारगेट का पैरामीटर सेट करने की जरूरत नहीं है, दोनों को Oracle खुद मैनेज करेगा। क्या करेगा, कभी SGA का साइज ज्यादा कर देगा और PGA एग्रीगेट टारगेट का साइज कम कर देगा, कभी PGA एग्रीगेट टारगेट का साइज ज्यादा कर देगा, SGA का साइज कम कर देगा, मेमोरी शफल करता रहेगा, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट ये इनेबल होती है 11G ऑनवर्ड, ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट इनेबल होती है, आप इसको इनेबल डिसेबल कर सकते हैं अप्रोप्रिएट पैरामीटर सेट करते हैं। इंटरप्राइज मैनेजर के थ्रू अगर आपने करना है तो देख लेते हैं इसको। इस वक्त मेरे डेटाबेस में देखें, मैं मेमोरी मैनेजमेंट के पेज के ऊपर हूं, इसमें दिखा रही ऑटोमेटिक शेयर्ड मेमोरी मैनेजमेंट ASMM इस वक्त डिसेबल्ड है। मैं इनेबल करता हूं तो ये कौन सा पैरामीटर सेट होगा, SGA अंडरस्कोर टारगेट वाला, ठीक है। मैं इनेबल करता हूं, वो पूछेगा SGA टारगेट में कौन सा क्या वैल्यू सेट करता हूं, आप जितने सेट करना चाहते हैं सेट करते हैं, ओके करें, आपका SGA टारगेट सेट हो गया। अब देखिएगा आपके पास जो SGA के सब कंपोनेंट्स हैं उनकी साइजिंग आप खुद नहीं कर सकते, आप Oracle ने टेक ओवर कर लिया, आप उसकी साइजिंग Oracle खुद करेगा और शफल भी करता रहेगा, ठीक है। अब जो एडवाइजरी आपको अवेलेबल है वो SGA के ओवरऑल साइज की एडवाइजरी है, लेकिन उसके सब कंपोनेंट की एडवाइजरीज आपके नहीं पास अवेलेबल नहीं है, क्योंकि वो उनका साइज आपके कंट्रोल में नहीं है। लेकिन PGA जो है स्टिल आप क्या कर सकते हैं, PGA पे क्लिक करें तो आप PGA की एडवाइजरी भी अवेलेबल है, PGA का साइज भी आप सेट कर सकते हैं। और अगर आप यहां पे देखें ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट अब आपके पास ऑप्शन आ गया, अगर आप इसको इनेबल कर दें, वो आपसे साइज पूछ रहा है, तो अब आपके पास
एसजीए की ओवरऑल साइज जो है ना, उसकी एडवाइजरी अवेलेबल है ना, पीजीए को आप चेंज कर सकते हैं और उसकी एडवाइजरी अवेलेबल है इसमें, डिसेबल। अच्छा, ये टोटल मेमोरी तो आप सेट कर सकते हैं, लेकिन पीजीए की जो साइज है उस वक्त, ये देखिए इस वक्त करंट जो पीजीए एग्रीगेट टारगेट है वो कंट्रोल में नहीं है आपकी, इसकी एडवाइजरी अभी आपको अवेलेबल नहीं है। दिस इज कॉल्ड आपकी एएमएम, ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट इनेबल होगी इस डेटाबेस के ऊपर। ठीक है, तो अप्रोप्रिएट पैरामीटर्स कमांड लाइन पे जाके सेट करेंगे, तो आप ये अल्टर सिस्टम सेट से कमांड लाइन पे ये डिफरेंट अप्रोप्रिएट पैरामीटर सेट कर दें, आपके वो फंक्शनलिटी आपके पास आ जाएगी। रिकमेंडेड है बिल्कुल रिकमेंडेड है प्रोडक्ट जी, बिल्कुल बाई डिफॉल्ट होती है, और मैं तो काफी जगहों पे यूज कर रहा हूँ मैनुअल भी, आपके ऊपर है टोटली। जी जी बिल्कुल, 10G 9i में भी है, 10G 9i में भी है, 10G में भी है, 11G में भी है। अच्छा, मैनेजिंग मेमोरी कंपोनेंट्स में ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट है, एएमएम इनेबल्स यू टू स्पेसिफाई टोटल मेमोरी एलोकेटेड टू इंस्टेंस इंक्लूडिंग एसजीए एंड पीजीए। ऑटोमेटिक शेयर्ड मेमोरी मैनेजमेंट इनेबल्स यू टू स्पेसिफाई टोटल एसजीए मेमोरी थ्रू वन इनिशियलाइजेशन पैरामीटर। इनेबल्स द ओरेकल सर्वर टू मैनेज द अमाउंट ऑफ मेमोरी एलोकेटेड टू शेयर्ड पूल, जावा पूल, बफर कैश, स्ट्रीम्स पूल एंड लार्ज पूल। आपको इन कंपोनेंट्स की साइजिंग खुद नहीं करनी पड़ती। कुछ कंपोनेंट्स ऐसे हैं जो कि आप एएमएम इनेबल कर दें या एएसएमएम इनेबल कर दें, वो आपको खुद ही मैनुअली मैनेज करने पड़ते हैं। उनमें से एक कंपोनेंट लॉग बफर है और एक कंपोनेंट है लॉग बफर है और कीप कैशियर और रिसाइकल कैशियर है। ये तीन कंपोनेंट्स ऐसे हैं जो कि आपको खुद मैनेज करने पड़ते हैं। लॉग बफर का साइज मैक्सिमम 10 MB से ज्यादा नहीं होता, तो वो आप उसका साइज करते हैं तो आपको साइज कभी चेंज करना ही नहीं पड़ता। ज्यादातर इश्यूज आपका शेयर्ड पूल, लार्ज पूल, जावा पूल एंड बफर कैशियर के अंदर होता है। इन्हीं में ज्यादा मेमोरी रिक्वायर्ड होती है और इन्हीं कंपोनेंट्स की रीसाइजिंग बार बार चाहिए होती है, तो ये ओरेकल ऑटोमेटिकली मैनेज करता है। और मैनुअली सेटिंग्स हैं आपके पास, मैनुअल में आप क्या कर सकते हैं, आप ये सारे एएमएम या एएसएमएम में डिसेबल कर दें और अपने कंट्रोल में ले लें, आप हर कंपोनेंट का साइज खुद कर सकते हैं। सो दिस इज अप टू यू कौन सा मेथड यूज करना चाहते हैं। तो बाय डिफॉल्ट प्रेफर किया जाता है कि हम एएमएम यूज करें और वो रिलायबल भी है, और उसमें सब सिर्फ हम ओवरऑल साइज को देख रहे होते हैं कि वो साइज अप्रोप्रिएट है कि नहीं, बाकी सब कंपोनेंट की साइजिंग हमें जरूरत नहीं पड़ती और वो ओरेकल खुद टेक कर पड़ता है। ठीक है जी, यहाँ पे अगर आप देखें एडवाइजरी में, तो इस वक्त अगर जो करंट साइज है इस वक्त वो है जी 556 MB इस हिसाब से। ठीक है, तो अगर आप ये देखें, अगर ये साइज यहां तक इंक्रीज कर दिया जाए तो कितना फायदा होगा, यानी कि आपका जो परफॉर्मेंस बेनिफिट है वो काफी ज्यादा हो जाएगा, यानी कि काफी फर्क पड़ जाएगा इसके डेटाबेस पे, एटलीस्ट 10% तो फर्क पड़ेगा। तो आप इस तरीके से, यानी कि मैक्सिमम अलाउेबल साइज आपके आपके केस में इतना है, मींस के वो जो मेमोरी मैक्स टारगेट है वो इस वक्त इतना सेट हुआ हुआ है, मेमोरी टारगेट इतना सेट हुआ हुआ है। आप अगर आप इसको इस पोजीशन पे ले जाएंगे मेमोरी टारगेट को, तो आपकी डेटाबेस की परफॉर्मेंस पे काफी फर्क पड़ेगा, काफी बेहतर हो जाएगी परफॉर्मेंस। तो एडवाइजरी इस तरीके से आपको एक रियल स्टेटिस्टिक्स देगी कि आपने कैसे साइजिंग करनी है। तो नॉर्मली हम इसी तरीके से साइजिंग करते हैं, क्योंकि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, वो डिपेंड करता है किस तरह की डेटाबेस है, कितना डेटा है, कितना लोड है, उस हिसाब से आपके इन मेमोरी कंपोनेंट्स की साइजिंग होती है। हो सकता है आपके केस में 1 GB ही आपके एसजीए का साइज सफिशियंट हो, लेकिन हो सकता है 10 GB भी सफिशियंट ना हो, डिपेंड करता है कि कितना डेटा है, कितना लोड है, उस हिसाब से। लेकिन आप जब भी ये करना है, आपने एडवाइजरी से एडवाइस लेनी है और फिर आपने अप्रोप्रिएटली साइजिंग करनी है इन कंपोनेंट्स की, और मॉनिटर भी करते रहना है। तो सिर्फ एक दफा इनका साइज सेट कर देना सफिशियंट नहीं होता, जैसे जैसे वर्कलोड इंक्रीज होता है, जैसे जैसे डाटा इंक्रीज होगा, वैसे वैसे आपको इन कंपोनेंट्स की मेमोरी एलोकेशंस को भी एडजस्ट करना पड़ेगा। देखें आप कुछ अगर ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो कि जहाँ पे होगा तो आपको बताएगा। ठीक है, वैसे ज्यादातर ये जितने भी हमने पैरामीटर्स देखे हैं ये सारे डायनेमिक है, एक्सेप्ट फॉर द एसजी मैक्स साइज एंड एफजी मेमोरी मैक्स टारगेट, ये स्टैटिक है। बाकी एसजी के सब कंपोनेंट्स के सारे पैरामीटर्स वो डायनेमिक है। मुझे अभी देखें रिस्टार्ट नहीं करना पड़ा, मेमोरी मैनेजमेंट मैनुअल थी मेरी, मैंने मेमोरी का साइज चेंज नहीं किया, वो जितना भी था मैंने उतने के अंदर रहते हुए ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट, ऑटोमेटिक शेयर मेमोरी मैनेजमेंट इनेबल की पहले, फिर मैंने एएमएम इनेबल की, तो रिस्टार्ट नहीं पाए उस केस में। ठीक है, तो कुछ स्टैटिक पैरामीटर्स हैं तो उस केस में रिस्टार्ट करना पड़ेगा, वो फिर आप जब आउटेज लें तो सब कर लें, अब ये नहीं कर सकते आप, लेकिन सेट कर दें जब, ताकि मशीन जब मैक्सिमम डेटाबेस रिस्टार्ट हो तो वो पैरामीटर इफेक्टिव हो जाए। अच्छा, ये जो इंटरप्राइज मैनेजर हमें आपको सारे वो परफॉर्मेंस के पेज पे सारे स्टैटिस्टिक्स दिखा रहा था ना, और जिन स्टैटिस्टिक्स की हम लास्ट टाइम बात भी करते आए हैं कि वो मेमोरी में गैदर हो रहे होते हैं और फिर हार्ड डिस्क के ऊपर जाते हैं AWR के रिपोजिटरी में हर एक घंटे के बाद, तो वो स्टैटिस्टिक्स इन व्यूज के थ्रू आप देख सकते हैं जो मेमोरी में कलेक्ट हो रहे होते हैं। तो सिस्टम वाइड स्टैटिस्टिक्स वीड एनालिसिस सेट से देख सकते हैं, सेशन वाइड स्टैटिस्टिक्स वीड एनालिसिस सेट से देख सकते हैं, सर्विस वाइड स्टैटिस्टिक्स वीड एनालिसिस सर्विस स्टैट से देख सकते हैं। इसी तरीके से सिस्टम वाइड वेट इवेंट्स, आपका एक सर्वर प्रोसेस जो है वो दो स्टेट्स में हो सकता है,
वो या तो रनिंग स्टेट में कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है या किसी वजह से वेट कर रहा है, वो कोई रोल ऑफ हुई है तब वेट कर रहा है, वो आयो हो रही है तब वेट कर रहा है, मेमोरी फ्री नहीं है तब वेट कर रहा है, कोई ना कोई वेट इवेंट हो सकता है, उसको वेट इवेंट कहा जाता है। डेटाबेस में ओरेकल डेटाबेस में देयर आर नंबर ऑफ वेट इवेंट्स और हर वेट इवेंट को कैप्चर किया जाता है कि कितनी देर के लिए वेट इवेंट आया पर्टिकुलर यूजर को या ओवरऑल ये वेट इवेंट कितनी दफा आया। तो वी डाटा सिस्टम अंडरस्कोर इवेंट में अब डेटाबेस की जो ट्यूनिंग है ना दो तरीकों से होती है, एक तो ये है कि आपने साइजिंग अप्रोप्रिएट कर दी, ठीक है जी, गुड इनफ, फिर उसके बाद आपने फिर भी परफॉर्मेंस के इशू है तो फिर आपने वेट इवेंट्स को देखना होता है कि इस वक्त डेटाबेस में वेट इवेंट्स कौन से आ रहे हैं, कौन से ऐसे वेट इवेंट्स हैं जिनकी वजह से इस वक्त डेटाबेस के ऊपर लोड पड़ रहा है, तो वो फिर वेट इवेंट्स आप रिकॉग्नाइज करते हो फिर उनको वन बाय वन ट्यून करते हैं। तो वेट इवेंट्स की इन्फॉर्मेशन आपको वी डाटा सिस्टम अंडरस्कोर इवेंट में आएगी जिसमें वेट इवेंट का नाम आएगा और कितनी देर के लिए वो आया। तो अब टॉप वेट फाइव वेट इवेंट्स इसमें से उठा लेंगे। वी डाटा सेशन इवेंट में आपके पास वो इवेंट सेशन वाइज आएगा, फॉर एग्जाम्पल एक वेट इवेंट आया जी बफर बिजी वेट्स का, यानी कि डेटाबेस बफर कैश में स्पेस नहीं थी, डाटा रखना था उसने आपके सर्वर प्रोसेस में, उसको स्पेस नहीं मिली, उसको वेट करना पड़ा, तो बफर बिजी वेट्स आए। या डीबी फाइल स्कैटर ट्रीड का वेट इवेंट आया, हर वेट इवेंट का एक नाम है, आपको डॉक्यूमेंटेशन भी देखनी पड़ेगी साथ में। तो डीबी फाइल स्कैटर ट्रीड का वेट इवेंट आया, इसका मतलब है उसको फुल टेबल स्कैन करना पड़ा, फुल टेबल स्कैन क्यों करना पड़ा, हो सकता है इंडेक्सेस मिसिंग हो सकता है स्टेटिस्टिक्स मिसिंग हो, ठीक है, या हो सकता है क्यूरी में वो हिंट पास हुआ हो कि वो इंडेक्स यूज ही ना करो, फुल टेबल स्कैन पे, तो आपको ये चीजें रिकॉग्नाइज करनी पड़ती हैं, आइडेंटिफाई करनी पड़ती है। तो आपको ये वेट इवेंट्स जो सिस्टम इवेंट में आएगा वो कम्युलेटिव आएगा, लेट्स से सब यूजर्स को एक वेट इवेंट आया तो टोटल कितनी दफा कितना आया, और अगर आप उसको सेशन वाइज उसका ब्रेकअप देखना चाहते हैं तो वीट आसन सेशन अंडरस्कोर इवेंट में देखेंगे, और सर्विस वाइज देखना चाहते हैं तो वीट आसन सर्विस अंडरस्कोर, सर्विस का मतलब है आप डेटाबेस में सर्विसेज बना सकते हैं, लेट्स से आपकी डेटाबेस का नाम तो माई डीबी है लेकिन आप चाहते हैं कि कनेक्शन स्ट्रिंग के डिफरेंट डिफरेंट बनाए, एक कनेक्शन स्ट्रिंग बनाए ईआरपी के नाम से, एक कनेक्शन स्ट्रिंग बनाए ओएलटीपी के नाम से, एक कनेक्शन स्ट्रिंग बनाए डीएसएस के नाम से, और डिफरेंट यूजर्स को डिफरेंट कनेक्शन स्ट्रिंग्स दे रहे हैं, तो उसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं किस टाइप ऑफ यूजर्स का लोड ज्यादा है डेटाबेस के ऊपर। सर्विसेज को आगे जाके डिस्कस करेंगे, ज्यादा इसका वैसे कंसेप्ट काम इसका क्लस्टर के अंदर है लेकिन सिंगल इंस्टेंस डेटाबेस में भी ये काफी यूजफुल हो सकती हैं आप लोड को आइडेंटिफाई करने के लिए। देन आपके पास ये बहुत सारे ट्रबल शूटिंग एंड ट्यूनिंग व्यूज हैं जो कि इंस्टेंस रिलेटेड हैं, डिस्क रिलेटेड हैं, मेमोरी रिलेटेड हैं, लॉकिंग एंड कंटेंशन रिलेटेड है। इन व्यूज के थ्रू भी आप देख सकते हैं कि इस वक्त डेटाबेस पे क्या ओवरऑल एक्टिविटीज हो रही हैं और कैसे मॉनिटर किया जा सकता है और कैसे परफॉर्मेंस को बेहतर किया जा सकता है। इसमें जो इंपॉर्टेंट व्यूज हैं जैसे वी डॉलर साइन सिस्टम इवेंट जो आपको आपको स्टैटिस्टिक्स आपको दिखाते हैं जिसके साथ वेट इवेंट्स कौन से हैं, मेमोरी से रिलेटेड अगर आप देखें बफर पूल स्टैटिस्टिक्स आपका जो डिफॉल्ट कैशे डेटाबेस बफर कैशे उसकी डिटेल्स बताता है कि इसका कितना लोड है उसके ऊपर कितना, ये जो आपको एडवाइजरी आपको जो इन्फॉर्मेशन दिखाती है ना वो इन्हीं व्यूज में से आपको डाटा निकाल के और फिर आपको साइज दिखा रहे हो कि करंट साइज कितना है और कितना होना चाहिए। तो कमांड लाइन से अगर आपने देखना है तो ये मेमोरी से रिलेटेड ये व्यूज है, इनमें से आप जाके क्यूरी करेंगे तो आपको एडवाइजरीज के वो व्यूज आपको डाटा के फॉर्म में मिलेंगे और रोज की फॉर्म में मिलेंगे और फिर आप उनको रीड करके आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसी तरीके से डिस्क रिलेटेड अगर आप देखें तो जो इंपॉर्टेंट है वो वी डॉलर साइन फाइल स्टैट है। वी डॉलर साइन फाइल स्टैट में आपको दिखाएगा हर फाइल के ऊपर आईओ के हिसाब से कि कौन सी फाइल्स के अंदर कितनी रीड्स हो रही हैं, कितनी राइट्स हो रही हैं एंड सो ऑन। तो आप आइडेंटिफाई करेंगे कौन सी डाटा फाइल है जिसपे ज्यादा लोड है, जिसपे ज्यादा लोड है इट मीन के ऐसे सारे ऑब्जेक्ट जो ज्यादा एक्सेस हो रहे हैं वो उसी डाटा फाइल के अंदर है, तो फिर उसका सोल्यूशन क्या है कि उनको डिफरेंट टेबल स्पेसिस के अंदर मूव करें और उन टेबल स्पेसिस की डाटा फाइल्स डिफरेंट डिस्क के ऊपर रखें। अगर आप एएसएम यूज करें तो उस केस में आपको ये इशू नहीं आएगा, फिर फाइल रिलेटेड जो बॉटलनेक्स है वो नहीं आएंगे, वो एएसएम खुद ही हैंडल कर लेगा क्योंकि एएसएम आपकी एक डाटा फाइल को एक जगह एक डिस्क लोकेशन पे नहीं रखता, वो अंडरलाइन साइड डिस्क के अंदर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। जी कंटेंशन कौन सा, अच्छा कंटेंशन जो है कंटेंशन रिलेटेड व्यूज है, जैसे आपने लेट्स से एक रो अपडेट की और एक रो दूसरा यूजर आया उसने भी उसी रो को मॉडिफाई करने की कोशिश की तो क्या होगा, वो यूजर वेटिंग स्टेट में चला जाएगा, ठीक है, वो वेट करेगा। आप यूजर आपको कंप्लेन कर रहा है कि उसने क्यूरी पिछले आधे घंटे से चलाई और वो क्यूरी चल रही है अभी, लेकिन एक्चुअली वो क्यूरी एग्जीक्यूट नहीं हो रही, वो वेट कर रहा है उसकी वो पर्टिकुलर स्टेटमेंट वेट कर रही है क्योंकि वो रो एक ब्लॉक हुई है जिसकी वजह से उसका सारा का सारा काम रुका हुआ है। तो डीबीए जाके बैकएंड पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे वी डॉस लॉक से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन कौन सी रोज कौन कौन से टेबल्स लॉक हुए हैं और किसने लॉक किए हैं, वी डॉस सेशन से अगर इसको आप ज्वाइन कर लें। और इसी तरीके से वी डॉस अनडू स्टेट में आप देख सकते हैं कि इस वक्त अनडू टेबल की स्पेस के ऊपर कितनी कंटेंशन है, अनडू टेबल स्पेस लेट्स से अनडू टेबल स्पेस आपकी बहुत ज्यादा ग्रो कर रही है, तो आप देखना चाहें कौन से यूजर्स ऐसी ट्रांजेक्शन चला रहे हैं क्योंकि अनडू टेबल स्पेस में ज्यादा स्पेस कंज्यूम कर रहे हैं। वी डॉस वेट स्टेट में आपको वेट इवेंट सारे दिखाएगा कि कौन कौन से सिग्निफिकेंट वेट इवेंट्स आपके डेटाबेस में आ रहे हैं। वी डॉस लैच में दो तरह के लॉक्स होते हैं, एक लॉक्स होते हैं जो कि आप रोज के ऊपर एक्वायर किए जाते हैं आपके लिए, एक लॉक होते हैं जो मेमोरी एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने एक डाटा लेके आना, एक ब्लॉक लेके आना हार्ड डिस्क से मेमोरी के अंदर,
तो आपका सर्वर प्रोसेस जो हार्ड डिस्क से ब्लॉक रीड करके मेमोरी में लाएगा डेटाबेस बफर कैशे में, तो डेटाबेस बफर कैशे के एक ब्लॉक में वो जाके डाटा प्लेस करेगा। वो पहले जाके उस ब्लॉक को लॉक कर लेगा ताकि कोई और प्रोसेस आके उसके ऊपर डाटा ना राइट कर दे, तो उसको लैच कहते हैं। मेमोरी एरियाज को प्रोटेक्ट करने के लिए ओरेकल जो लॉक लगाता है उसको लैच कहा जाता है, और आपकी रोज को प्रोटेक्ट करने के लिए जो लॉक लगाता है जो आपके डीएमएल के केस में लगते हैं वो लॉक्स कहलाते हैं। तो होते दोनों का पर्पज एक ही होता है कि डिस्ट्रक्टिव इंटरेक्शन ना हो आपस में प्रोसेसेस की या ट्रांजेक्शन। तो समटाइम एक क्यों आता है कि लॉगिन जब आप करने जाते हैं तो वो लॉगिन स्टेट नहीं रहता एप्लीकेशन में, वो लॉगिन स्टेट में रहती है। अगर डेटाबेस रीस्टार्ट करते हैं तो वो प्रॉब्लम नहीं, लॉगिन स्टेट में क्या आपकी एप्लीकेशन किस तरह की है और कैसे, क्या आपको वेट करना पड़ता है, वो क्या हैंग कर जाता है, क्या हैंग कर जाता है? अच्छा देखें, ठीक है, और वो वेट कर गई। अच्छा, यू नीड टू आइडेंटिफाई, बैकएंड पे जाके आप देखेंगे कि क्या हो रहा है इस वक्त, ठीक है। नंबर ऑफ रीजन हो सकती है, देर कैन बी नंबर ऑफ रीजन। फॉर एग्जाम्पल, लेट से आपका सर्वर पे लेट से मेमोरी का इशू है, मेमोरी कम है, तो क्या होता है जब एक यूजर कनेक्ट होने जाता है ना, तो ऑन फ्लाई उसके लिए एक सर्वर प्रोसेस क्रिएट किया जाता है। तो अब लेट से सर्वर प्रोसेस जो लिसनर है वो सर्वर प्रोसेस क्रिएट करने गया, मेमोरी सफिशियंट नहीं थी, ओएस को पेजिंग स्वैपिंग करनी पड़ी, उतनी देर उसको वेट करना पड़ा। अब लेट से एक वक्त में बहुत सारे यूजर्स की कनेक्शन की रिक्वेस्ट आ गई, तो आपका सिस्टम भी पूरा हैंग कर जाएगा, ठीक है। तो ये एक रीजन ये हो सकता है, आपने एनालाइज करना है, आपने उस वक्त उसका काम उसका तरीका ये है कि उस पर्टिकुलर टाइम के ऊपर डेटाबेस पे क्या चीज थी, कौन सी चीज आपने सबसे पहले, तो टॉप जो आपने ओवरव्यू देखना है ना, उसका ज्यादा कंजम्पशन की चीज की, सीपीयू की कंजम्पशन है, मेमोरी की कंजम्पशन है, ये आई होगी, ये तीन चीजों में से किसी एक को आइडेंटिफाई कर लेना आपने। उसके लिए आपके पास टूल्स अवेलेबल है, AWR की रिपोर्ट निकाल लें, स्टैट्स पैक की रिपोर्ट निकाल लें उस पर्टिकुलर टाइम की, या इंटरप्राइज मैनेजर में उस वक्त देख लें कि क्या हो रहा है इस वक्त, ठीक है। तो ये मॉनिटर करना जरूरी है इस वक्त, क्योंकि आपको यू डोंट नो कि किस वजह से वो वेटिंग स्टेट में चला जाता है। तो आपको ये रीस्टार्ट करना इज नॉट द सोल्यूशन, द सोल्यूशन इज कि आप उसको आइडेंटिफाई करें और किसी को फिक्स करें ताकि वो रीअकर ना हो। तो कोई ना कोई ऐसा वेट इवेंट हो रहा होगा, मोस्ट प्रोबेबली ये जो आप सिचुएशन बता रहे हैं उस केस में ऐसा ही होता है कि अब मेमोरी का इशू है आपके डेटाबेस में, और वो जब सर्वर प्रोसेस क्रिएट करने जाता है तो उस वक्त आपको उस केस में क्या होगा, एसजीए का साइज कम करना पड़ेगा। हालांकि आप नहीं कर सकते क्योंकि आपकी आपके डेटाबेस में मेमोरी की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, लेकिन क्योंकि ओएस पे इतनी मेमोरी नहीं है कि जब वो सेशंस कनेक्ट होने जाते हैं तो उसको पेजिंग स्वैपिंग करनी पड़ती है, तो उस केस में आपको उसका साइज कम करना पड़ेगा। देयर कैन बी नंबर ऑफ रीजंस, मैं एक रीजन आपको ये बता रहा, लेकिन यू नीड टू आइडेंटिफाई इट। नहीं देखें, सम टाइम्स तो बाउंस करना भी पड़ता है। आप देखें, लेट से हैंग कर गया, अब आपका सिस्टम भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, लेकिन जब आप क्या उस मशीन के ऊपर जाते हैं, डेटाबेस पे कनेक्ट होते हैं, तो उस पर आप कनेक्ट हो सकते हैं, ये वहां पे भी नहीं कनेक्ट हो रहा है। हाँ देखो, हाँ ठीक है। अब देखें, वो जो एप्लीकेशन आपकी डिप्लॉयड है वो किसी न किसी एप्लीकेशन सर्वर पे होगी, वो एप्लीकेशन सर्वर उसी मशीन पे जिस पे डेटाबेस है, ये डिफरेंट है, अभी डिफरेंट होता है, ठीक है। बट यू नीड टू आइडेंटिफाई उस वक्त क्या पर्टिकुलर क्या इवेंट हो रहा है, कितने सेशन कनेक्टेड है, और आप ये जो नया सेशन कनेक्ट करने जा रहे हैं वो कनेक्ट हुआ उस पर्टिकुलर मशीन से कि नहीं हुआ, वो नहीं, वो आपको बहुत सारी चीजें आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। मुझे प्रॉब्लम आती आ रही है, हफ्ता 10 दिन के बाद ये प्रॉब्लम अकर होता है, ठीक है। आप रिस्टार्ट करेंगे फिर एक हफ्ते के लिए, ओएस कौन सा है, विंडोज जो डेटाबेस का जो सर्वर है विंडोज 2003 है, मेमोरी कितनी है उसमें, 64 बिट है, 32 बिट है, ओके। ओरेकल और एसजीए का साइज क्या है, एसजी आप दो काम देखिएगा, एक एसजी का साइज उसका देख लें और एक पीजी एग्रीगेट टारगेट का साइज देख लें, ठीक है। फिर उसके बाद क्योंकि अब ओरेकल 10G है, अच्छा ठीक है, मतलब वो डिफॉल्ट जो है वो 40% होता है बाय डिफॉल्ट, तो 40% होगा तो 800 MB एक होगा और तकरीबन 1.8 GB तक होगा वो फिर उस केस में, और 1.8 GB है अगर तो उस केस में फिर अगली इशू यह है कि आपके जो सर्वर प्रोसेस है उनके लिए टोटल जो मेमोरी बचेगी वो 100 MB बचेगी, और बाकी जितनी मेमोरी है 4 GB में से 2 GB मेमोरी आपका जो वो ओएस का जो कर्नल है वो अपने लिए रिजर्व करेगा, वो यूजर स्पेस को नहीं देता, वो सिस्टम स्पेस होती है मेमोरी के अंदर, उसमें कोई आपका ओएस के अलावा, ओएस का जो अपना कर्नल है उसके अलावा कोई प्रोसेस उसमें उसको मेमोरी एलोकेट नहीं हो सकती, ठीक है। ये मुझे जो इशू लग रहा है कि आपका जो क्योंकि एसजीओ का साइज बड़ा है, जो बाकी सर्वर प्रोसेसेस की जो मेमोरी बचती है वो इतनी कम बचती है कि उसको फिट नहीं आ सकती, मतलब आपके सर्वर प्रोसेस कितने यूजर्स कनेक्ट होते हैं उस डेटाबेस से, कितनी एप्लीकेशंस के यूजर्स, नहीं बहुत सारे देखें, देयर कैन बी नंबर उस वक्त पर्टिकुलर टाइम पे क्या क्या इशू होते हैं वो तो देखना पड़ेगा, मतलब वो आइडेंटिफाई करना जरूरी है किस वक्त क्या होता है, लेकिन आप ओवरऑल ऐसे स्टार्ट इससे करें कि आप उसकी साइजिंग देखें सबसे पहले, फिर स्टेटिस्टिक्स रेगुलरली जनरेट हो रहे हैं आपकी एप्लीकेशन के टेबल्स के ऊपर, जो वो हमने लास्ट चैप्टर में कवर किए थे DBMS एंड उसको स्टैट्स है, आप देखिएगा मेरे हमें 80% आपके परफॉर्मेंस के इशू सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर स्टैट्स गैदर करने से फिक्स हो सकते हैं।
ठीक है। तो स्टेटिस्टिक्स गैदर करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो करेंगे तो आपको बहुत सारे परफॉर्मेंस के इश्यूज वैसे आएंगे नहीं। तो और इसके अलावा आपने इंडेक्सिंग को आपका खास ख्याल रखना है, लेकिन ये चीजें आइडेंटिफाई, सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करें कि है क्या बॉटलनेक, क्या है, किस वजह से इशू होता है, तो फिर आप उसको फिक्स करें, ठीक है। ओके जी, इनवैलिड एंड अनयूजेबल ऑब्जेक्ट्स, इन जो इनवैलिड ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो भी आपकी डेटाबेस की परफॉर्मेंस को इंपैक्ट करते हैं। लेट्स से आपके इंडेक्सेस हैं, वो इंडेक्सेस इनवैलिड हो गए, इंडेक्सेस कब इनवैलिड होते हैं, आपने एक टेबल टेबल स्पेस एक्स में था, आपने उसको मूव करके टेबल स्पेस वाई में लेंगे, उसको टेबल टेबल का नाम मूव टेबल स्पेस और टेबल स्पेस का नाम, आपने उसको दूसरी टेबल स्पेस में लेंगे, अब इंडेक्स इनवैलिड हो जाएगा। उस टेबल के जितने कॉलम्स से इंडेक्स लगे होंगे वो सारे इनवैलिड हो जाएंगे। रीजन, इंडेक्सेस के अंदर रो आईडीज होती है, तो जब टेबल एक टेबल स्पेस से दूसरी टेबल स्पेस में चला गया रो आईडी चेंज होगी, क्योंकि रो आईडी में क्या होता है, कौन सी डेटा फाइल के कौन से एक्सटेंट के कौन से ब्लॉक के कौन सी लोकेशन पे पड़ा हुआ। अब वो जो डेटा, अब जब आप एक टेबल स्पेस से दूसरी टेबल स्पेस में मूव कर देंगे तो फाइल ही चेंज हो जाएगी, डेटा फाइल चेंज होगी, डेटा फाइल की आईडी डिफरेंट होगी, जो जहाँ पे चला गया टेबल उसको नए सिरे से एक्सटेंट से लोकेट होंगे, नए सिरे से ब्लॉक से लोकेट होंगे, वहाँ पे डेटा जाएगा। तो उस केस में आपको इंडेक्सेस रीबिल्ड करने पड़ेंगे, और इंडेक्सेस रीबिल्ड नहीं करेंगे तो क्या होगा, हर दफा फुल टेबल स्कैन होगा, ठीक है, आपको परफॉर्मेंस की इशू होंगे। अगर आपके पीएल सीक्वल ऑब्जेक्ट वो हैं इनवैलिड हैं, वो कब इनवैलिड हो सकते हैं, जब आपने एक लेट सेट प्रोसीजर है या एक फंक्शन है उसमें कोई टेबल यूज हुआ है, उस टेबल के ऊपर आपने कोई डीडीएल चला दी, फॉर एग्जांपल टेबल अल्टर करके कोई कॉलम ऐड कर दिया, कोई कॉलम ड्रॉप कर दिया, या कोई कोई भी ऐसा डीडीएल चला दी, तो वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट इनवैलिड हो जाता है, आपको रिकम्पाइल करना पड़ता है। तो इनवैलिड ऑब्जेक्ट्स अगर होंगे तो वो भी परफॉर्मेंस के सीवियर इश्यूज क्रिएट करेंगे, उसकी वजह से एरर्स भी एप्लीकेशन भी आ सकते हैं और परफॉर्मेंस के मसले भी आ सकते हैं, ठीक है। तो इनको भी आइडेंटिफाई करना है, फिक्स करना जरूरी है। बहुत जरूरी है, बल्क में जब भी डिलीशन होगी तो आपने सबसे पहला काम तो ये करना होगा, टेबल रीऑर्गेनाइज करना होगा, और फिर इंडेक्स रीबिल्ड करना होगा, और फिर दोनों टेबल्स पे और इंडेक्सेस पे स्टैट्स जनरेट करना, ये तीन काम करने पड़ेंगे जब भी बल्क डिलीशन होगी, यू हैव टू बल्क डिलीशन एंड बल्क इंसर्शन। उस केस में आपको इंसर्शन के केस में रीऑर्गेनाइज नहीं करना पड़ेगा, लेकिन स्टैटिस्टिक्स जरूर जनरेट करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप डिलीशन कर रहे हैं तो उस केस में तो मस्ट है कि आपने रीऑर्गेनाइज जरूर करना है, नहीं टेबल आप अल्ट टेबल टेबल का नाम, क्योंकि उसमें टेबल में बहुत सारा फ्रेगमेंटेशन हो जाएगी, तो वो फिर परफॉर्मेंस के बहुत सारे मसले क्रिएट करेगी। तो आपने अल्ट टेबल टेबल का नाम मूव कर दें, एक तो ये तरीका है, अगर 9 आई है, अगर 10 जी ऑनवर्ड है तो फिर वो जो अल्ट टेबल टेबल का नाम मूव है ना, वो ऑफलाइन ऑपरेशन है, उस केस में वो टेबल लॉक हो जाएगा और कोई यूजर उसके ऊपर इंसर्ट अपडेट डिलीट कुछ भी नहीं कर सकेगा जब तक वो मूव नहीं हो जाता। और दूसरा तरीका है कि अल्ट टेबल टेबल का नाम कम्पैक्ट रिलीज स्पेस कम्पैक्ट, वो क्या करेगा, कम्पैक्ट कर देगा उसको, वो आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट बुक में, वो आपको बता दूंगा कि आपने कैसे करना, ये जरूरी है, वो करना होता है। अच्छा जी, ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट अलाउज द ओरेकल इंस्टेंस टू रेलोकेट मेमोरी फ्रॉम द डैश टू द एसजीए, यस फ्रॉम द पीजीए टू द एसजीए ऑटोमेटिक एएम। गुड,